नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। गर्मियां आती हैं और अपने साथ लाती हैं सेहत से जुड़ी कई परेशानियां, खास करके स्किन प्रॉब्लम्स। गर्मियों में लोगों को स्किन से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्किन एलर्जी, घमौरी, रेड रैशेज, लाल रंग के छोटे छोटे दाने, खुजली, सनबर्न जैसी कई प्रॉब्लम्स गर्मियों में बिल्कुल आम समस्याएं हैं। लेकिन इन समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जाए और इनसे कैसे बचा जाए, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल अरोड़ा। डॉक्टर राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार डॉक्टर राहुल, सबसे पहले बताइए गर्मियों में स्किन से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम्स बेहद आम है, कुछ के तो नाम मैंने अभी लिए हैं, और इनसे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हम अपनी क्लिनिक्स में देखते हैं स्किन रिलेटेड स्पेशली समर्स में, वो होते हैं फंगल इन्फेक्शंस। स्पेशली क्योंकि हम एक ऐसी एरिया में रहते हैं जहाँ स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, हम वर्किंग करते हैं, हम प्रॉपर हाइजीन कभी कभार नहीं लेते हैं, तो फंगल इन्फेक्शंस ड्यू टू यहाँ पे स्वेट इकट्ठा होने की वजह से और हाइजीन प्रॉपर ना होने की वजह से काफी कॉमन है। इसके अलावा कड़कती धूप में काम करने से सनबर्न्स, पसीने और ऑयलीनेस की वजह से एक्ने प्रॉब्लम्स, और एक्सेसिव हीट से हेयर फॉल और हेयर डैमेज, ये सब प्रॉब्लम्स हम बहुत कॉमनली देखते हैं स्पेशली हमारे समर सीजन में, और स्पेशली हमारी दिल्ली में, बिकॉज हमारी दिल्ली में समर्स बिल्कुल ऑपोजिट होती है। विंटर्स जहाँ 3 डिग्री का सेल्सियस होता है, यहाँ 39-40-45 डिग्री सेल्सियस अब पहुंचने लग गया है, तो इट्स वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स में टेम्परेचर घूमता है, इससे स्किन पे काफी बुरा असर पड़ता है। जी राहुल, ये भी बताइए किस किन टाइप के लोगों को गर्मी में ज्यादा परेशानी होती है, और ऐसे लोगों को क्या गर्मी में अपनी स्किन का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है, और वो कैसे? देखिए, सच्ची बताएं तो ऑल स्किन टाइप्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं। स्पेशली जिनका ऑयली स्किन होता है उनके लिए और भी मुश्किल होता है, क्योंकि एक्सेसिव ऑयल और स्वेट प्रोडक्शन होता है, उनमें एक्ने के चांसेस, स्किन का डलनेस होना, स्किन का एक्सेसिव ऑयली होना, ओपन पोर्स का ज्यादा दिखना, ये सब प्रॉब्लम्स और बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही फेस करते हैं और हमारे पास आते हैं इसमें। और जो एक्सेसिव स्वेट रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि मतलब बदबूदार स्वेट होना, और साथ में फंगल इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन है। जी, तो धूप में बाहर निकलते समय ऐसे में सनस्क्रीन लगाना कितना जरूरी हो जाता है, और धूप में जाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए जिससे हमारी त्वचा का हीट से बचाव हो सके? देखिए, सनस्क्रीन देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, जो नॉट ओनली एंटी एजिंग है, नॉट ओनली स्किन प्रोटेक्टिव है, नॉट ओनली दैट कैंसर प्रोटेक्टिव है। ऑल्दो कैंसर जैसी चीज इंडिया में उतनी नहीं देखी जाती जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में देखी जाती है, बट मेन पर्पस ऑफ सनस्क्रीन जो हमारे उसमें जनरेशन में अप्लाई करने का है, वो स्किन का प्रोटेक्शन, जो कि लॉन्ग टर्म में झुर्रियों से और शॉर्ट टर्म में स्किन सनबर्न्स वगैरह से हमें बचाव करता है। ओके, जो ये सनस्क्रीन में SPF होती है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए और ये वैल्यू किस हिसाब से देखी जाती है? देखिए, स्किन SPF का मतलब होता है स्किन प्रोटेक्शन फैक्टर, और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रोटेक्शन होता है UV प्रोटेक्शन फैक्टर। सो स्किन SPF का मतलब होता है कि अगर हम सनस्क्रीन लगाएंगे तो कितना परसेंटेज हमें प्रोटेक्शन रहेगा, मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन देंगे तो हमें सनबर्न नहीं होगा। सो जितना हायर SPF होता है उतना हमारा प्रोटेक्शन बेटर होता है, पर इससे जुड़ी एक और इश्यू होती है, जितना हायर SPF होता है उतना वो कॉस्मेटिकली दिखता है, उतना ही ज्यादा वो स्टिकी और टैकी हो जाता है, इसलिए हमें लगाने में उतना अच्छा नहीं लगता है। सो मिनिमम टू मिनिमम अगर कहें फॉर अ पेशेंट हु हैज, जिनको सन एलर्जीज नहीं है, सन रिलेटेड कोई स्किन इश्यूज नहीं है, तो मिनिमम टू मिनिमम SPF 30 या SPF मिनिमम SPF 50 से हम जो है मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन हमें यूज करनी चाहिए। मिनिमम SPF 30 इज effective in most cases. Okay. डॉक्टर, जैसे कि आपने भी शुरुआत में बोला कि दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ बेहताशा गर्मी पड़ती है, ऐसे में कौन से स्किन प्रॉब्लम के पेशेंट ज्यादा होते हैं आपके पास? देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो फंगल इन्फेक्शंस इस समय बहुत कॉमन है। हम लोग सब अब जो है कोविड का सिनेरियो चेंज हो गया है, वी आर गोइंग आउट, हम लोग बाहर जा रहे हैं, और स्पेशली इतनी गर्मी में भी हम बाहर जा रहे हैं। और दूसरा होता है कि हमारे क्लोदिंग समवॉट जो है हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली नहीं चेंज होते हैं, हम गर्मियों में भी डेनिम्स वगैरह और टाइट डेनिम्स पहनते हैं, जिससे कि
फोल्ड्स में रगड़ और टाइट क्लोथिंग से फोल्ड्स में रगड़ रखती है, जिससे पसीने के साथ बहुत कॉमनली हमें फंगल इन्फेक्शंस देखे जाते हैं हमारी जी हमारे जी सिनेरियो में। तो इसके लिए हमें लूज क्लोथ्स पहनने चाहिए और खासकर कॉटन के। कॉटन एंड कंफर्टेबल वेयर पहनने चाहिए। डेनिम्स स्पेशली किसी को अगर फंगल इन्फेक्शन की टेंडेंसी है तो उन्हें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहूंगा कि आजकल बहुत सारे लोग सेल्फ बेस्ड स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स फंगल इन्फेक्शन पे लगाते हैं। ये स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स शुरू में तो आराम देती है बट लॉन्ग टर्म में हमारी बीमारी को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती है और अननेसेसरली एक सिंपल इन्फेक्शन को कॉम्प्लिकेट कर देती है। जी, जो ऑयली स्किन वाले होते हैं गर्मियों में काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके फेस पर ऑयल की वजह से पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए फेस पर ऑयल कंट्रोल के लिए और पिंपल जैसी दिक्कतों के लिए छुटकारा पाने के लिए उनसे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत है कि रेगुलर फेस वॉशिंग। प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं बट अगर हम रेगुलर वॉश नहीं करेंगे फेस जी को तो हम वो ऑयल क्लेंस नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरत है इन एडिक्वेट फेस वॉश, जिसमें इफ पॉसिबल कुछ एक्स्ट्रा एक्टिव इंग्रेडिएंट हो सकता है लाइक सैलिसिलिक एसिड जो हमारे ऑयल को रिड्यूस करता है, या ग्लाइकोलिक एसिड जो थोड़ा पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। ये प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फॉर एडिक्वेट ऑयल कंट्रोल। तो मिनिमल अगर किसी को कुछ करना है तो एडिक्वेट सुबह शाम 2 बार रेगुलर फेस वॉश करना चाहिए। इससे एडिशनल कुछ नाइट क्रीम्स कुछ डे क्रीम्स आती हैं जो ऑयल रिडक्शन करती हैं, जो कि हमारे बस प्रोवाइडेड आपका स्किन सेंसिटिव ना हो। सो ओके तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है समर वेयर में कि अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को राइटली चूज करना। कभी कभार हम बहुत थिक प्रोडक्ट्स जो हमें विंटर्स में सूट कर रहे होते हैं वो अपने समर्स में हम कंटिन्यू करते हैं, जो हमारे पोर्स को ब्लॉक करते हैं, स्किन को और टैकी कर सकते हैं, या ओके हमें एक्ने या ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स भी दे सकते हैं। सो अपने प्रोडक्ट्स को और अपने जो स्किन केयर रूटीन को टाइम के साथ चेंज करना। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो सजेस्ट करूंगा कि मेकअप का मिनिमम से मिनिमम यूज करना, स्पेशली इन समर्स और पेशेंट जिनका स्किन ऑयली है, बिकॉज कम वर्ड में सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं मेकअप ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पोर ब्लॉक करते हैं, और उसमें भी चूजिंग योर प्रोडक्ट्स बहुत मतलब केयरफुली और राइटली अपने प्रोडक्ट्स को चूज करना स्पेशली इन समर्स बहुत जरूरी होता है। जी, अगला सवाल मेरा मेकअप से ही जुड़ा हुआ था, तो गर्मियों में क्या कम मेकअप इस्तेमाल करना चाहिए और गर्मियों में मेकअप किस तरह से हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाता है? देखिए, मेकअप की आप जितनी लेयर्स करते हैं उतना ही हमारे स्किन को ब्रीदिंग वो टाइम नहीं मिलता, उतने हमारे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्ने, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स और इवन समटाइम्स यू सी कि भी डलनेस भी शुरू हो जाती है। तो मेकअप का मिनिमल से मिनिमल यूज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड करना बहुत जरूरी होता है, और अपने प्रोडक्ट्स को भी राइटली चूज करना चाहिए कि मोर ऑफ जेल बेस्ड या लोशन या वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यूज करने चाहिए रादर देन क्रीम या थिक मूज बेस्ड प्रोडक्ट्स फॉर फाउंडेशन एंड ऑल, वो हमें अवॉइड करने चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, तो गर्मियों में अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करनी चाहिए और किस तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या बिना डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के प्रोडक्ट यूज़ करना सही रहेगा? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है कॉस्मेटिक्स और एक होते हैं कॉस्मेस्यूटिकल्स। जी यस, कॉस्मेटिक्स हम सालों से यूज कर रहे हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि हर पेशेंट को, हर इंसान को एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करना चाहिए, पर यस, अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, अगर आपका स्किन एक्ने प्रोन है, अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन इश्यूज है या एलर्जी प्रोन है, तो डेफिनेटली अपना प्रोडक्ट जो है एक डर्मेटोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के साथ चूज करना चाहिए, ताकि वो सबसे पहले तो अगर आपके स्किन में कोई इश्यूज हैं तो उसको करेक्ट करें और आपको सही काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स की सही गाइडेंस दे पाए। जी डॉक्टर, ये भी बताइए कि बच्चों के स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है और बच्चों में हम बहुत ज़्यादा इश्यूज देखते हैं गर्मी में, खासकर पीठ के पीछे बहुत बैक बैक पे काफ़ी रेड हो जाते हैं, चीक्स बहुत रेड हो जाते हैं जब बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, तो छोटे बच्चों की स्किन का कैसे ख्याल रखें गर्मियों में? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो समझनी चाहिए कि छोटे बच्चों में स्किन अक्सर ड्राई होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट जिनमें ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो इवन कॉन्ट्रेरी टू आर बिलीफ, इवन समर्स में भी बच्चों के स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए, क्योंकि वो सेंसिटिविटी को, मॉइस्चराइजेशन सेंसिटिविटी को बहुत इम्प्रूव करता है और सेंसिटिविटी को डिक्रीज करता है। जो पीठ पे, फेस पे अक्सर रैशेस देखे जाते हैं वो
गर्मी की वजह से या कपड़ों की रगड़ की वजह से देखे जाते हैं, पसीने की वजह से देखे जाते हैं, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन दिन में एक या दो बार रेगुलरली ठंडे पानी से नहाना और एडिक्वेटली स्किन को मॉइस्चराइज करना नहाने के एकदम बाद, ताकि वो स्किन वहां पे सेंसिटिव कम रहे। ओके, हीट रैश, ड्राई इरिटेशन, सन एलर्जी और घमोरिया गर्मियों में बहुत कॉमन है, लेकिन यदि किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तब उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर सिर्फ होम बेस्ड थेरेपी कहें तो ठंडे पानी से नहाना सुबह शाम दो बार फॉर माइल्ड केसेस विल बी इनफ, या बर्फ से हल्की फुल्की सिकाई कर लेना फॉर कंफर्ट इट विल बी, मतलब वो काफी रहेगा जस्ट टू गिव कि इनिशियल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रिलीफ पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी केसेस में, माइल्ड केसेस में सिर्फ इतना करना भी सफिशियंट रहता है। पर यस, अगर आपका रैश बढ़ रहा है, अगर आपको इरिटेशन बर्निंग ज्यादा हो रही है, आपका स्किन एक्सफोलिएट कर रहा है, तो आपको एक नियर बाय डर्माटोलॉजिस्ट को डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। जी, मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि गर्मियों में स्किन की दिक्कत तो लगभग सभी को रहती है, तो डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए हमें? देखिए, अगर आपका स्किन इरिटेटेड रह रहा है, रेड रह रहा है, उसमें कोई भी पपड़ी सी, स्केल्स या क्रस्टिंग दिख रही है, या आपका एक्ने किसी भी वजह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है या बार बार रह रहा है, तो आपको डेफिनेटली नियर बाय डर्माटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। सिर्फ सिंपल होम बेस्ड ट्रीटमेंट्स कंटिन्यूअसली अप्लाई करने से कभी कभार हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो इनिशियल प्रॉब्लम से ज्यादा वर्सन करके आते हैं, विच बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रीट। ओके, क्या हम किसी तरह के घरेलू नुस्खों से भी गर्मियों में अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं? घरेलू नुस्खों, एक्चुअली क्या है कि हमारे पास वैरायटी ऑफ घरेलू नुस्खे हैं और हर स्किन को सेम नुस्खा सूट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें मेरे हिसाब से जस्ट टू से सेफ, यस यू कैन कंटिन्यू योर फेस वॉश, आप रेगुलर फेस वॉश कर सकते हैं, हाइड्रेटिंग स्टफ जो होता है वो आप यूज कर सकते हैं, घर पे होम बेस्ड मास्क यूज कर सकते हैं। बट यस, अगर आपका स्किन ज्यादा इरप्ट कर रहा है, आपके ज्यादा एक्ने इरप्ट हो रहे हैं, तो आपको फिर प्रॉपर केयर लेनी चाहिए, हो सकता है वो आपके स्किन को काउंटर प्रोडक्टिव करे अननेसेसरी होम केयर। ओके, डॉक्टर, हमने स्किन केयर की तो बात कर ली, लेकिन गर्मियों में बालों से जुड़ी कई समस्याएं भी लोगों को परेशान करती हैं। पॉल्यूशन और हीट से बाल बहुत डैमेज होते हैं, इसलिए हमें गर्मियों में अपने बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? देखिए, बालों की जब तक आपको हेयर फॉल नहीं है, सिंपल अगर हमें करें तो सिंपल रेगुलर एक शैम्पूइंग और शैम्पू फॉलोड बाय कंडीशनर सबसे सटीक और सबसे इजी ट्रीटमेंट है फॉर टेकिंग केयर ऑफ स्किन। स्किन ओके, का हीट डैमेज जो होता है वहां के वाटर लॉस से होता है, हम कंडीशनर से उस चीज को अच्छे से नरिश कर सकते हैं, अच्छे से अपने आप को जो है शैम्पू करके स्कैल्प को क्लीन कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, सर्दियों में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी होता है, पानी की कमी या ड्राइनेस जो होती है वो स्किन पे भी और हेयर में भी अपने एक रिफ्लेक्ट करती है और हमारे हेयर्स को लैक लस्टर या लैक ऑफ शाइनीनेस प्रोड्यूस करती है। तो स्वेटिंग से भी बालों को नुकसान पहुंचता है हमारे, और दूसरी बात यह है कि आजकल बाल बहुत पतले और झड़ने बहुत लगे हैं लोगों के, तो इस समस्या का इलाज कैसे, और स्वेटिंग का भी इलाज बताइए। देखिए, स्वेटिंग पर से का कोई एक अच्छे एम्बियंट टेम्परेचर में रहने से ही स्वेटिंग कंट्रोल होती है। स्वेटिंग हमारी इंटरनल एक तरीके का नॉर्मल प्रोसेस है, जी उसको हम अप डाउन नहीं कर सकते, बट यस, स्वेट को अगर हम इकट्ठा होने देंगे तो डेफिनेटली वहां पे अगर स्वेट इकट्ठा होगा तो पोर्स ब्लॉक होंगे और वही प्रॉब्लम सारे दाने, डैंड्रफ और ये सब प्रॉब्लम होगी। सो रेगुलर हेड वॉशिंग और रेगुलर ऑल्टरनेट डे स्कैल्प वॉशिंग जो होती है वो हमारे स्वेट को एडिक्वेटली वहां से रिप्लेस करके रखती है और पोर्स को ब्लॉक नहीं होने देती है। ओके, और हेयर थिनिंग और जो ये बाल झड़ रहे हैं उसकी क्या इलाज होगा डॉक्टर? देखिए, हेयर थिनिंग और हेयर फॉल ये दो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। हेयर फॉल का अक्सर कारण जो नॉर्मली होता है, कोई ना कोई इंटरनल सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। कोई भी हेयर फॉल जो 2-3 महीने का है और 10-20-15-20 बाल गिर रहे हैं दिन में, उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मांगते। इनफैक्ट मैं मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स जिनको 15-20 बाल गिर रहे होते हैं, उन्हें काउंसल करता हूँ कि ये नॉर्मल है, जैसे कि भी एवरी डे देर आर डेथ्स एंड बर्थ्स, हेयर जी के भी ऐसे ही इश्यूज होते हैं। बट यस, अगर किसी को बहुत सिग्निफिकेंट गुच्छों गुच्छों में हेयर फॉल हो रहा है, उसके अक्सर कारण स्ट्रेस, अक्सर कारण चेंज इन सडन वेदर, अक्सर एक और कारण, आजकल हम पोस्ट कोविड भी बहुत हेयर फॉल देख रहे हैं कि जी भाई हमारी हेयर रूट में वीकनेस आती है, जिस वजह से भी एक अक्यूट हेयर फॉल होता है। और इसको अकॉर्डिंग टू वॉट एवर प्रॉब्लम की कोई बॉडी में डेफिशिएंसी है या सिंपल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन से भी करेक्ट किया जा सकता जी तो है। बाल हेयर झड़े फॉल हैं बिल्कुल, तो और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये विशेष सर्कल फिर घूमेगा, आपके फिर स्ट्रेस बढ़ेगा और फिर बाल झड़ेंगे, तो इसलिए बिल्कुल मैं मैं बिल्कुल अपने टेंशन नहीं लेती बाल झड़ने की।
बिल्कुल, इनफैक्ट पहले 10 मिनट ऑफ माय कंसल्टेशन मेरा यही इंसिस्टेंस होता है पेशेंट को कि जितना स्ट्रेस लोगे उतना मेरे पास ज्यादा आना पड़ेगा, और जितना कम स्ट्रेस लोगे उतना आप जो है जल्दी फ्री हो जाओगे इससे जी जो है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नमस्कार। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही स्किन से जुड़ी कई समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं, लेकिन डॉक्टर द्वारा दिए गए सुझावों को अपनाने से आप इन समस्याओं से बचाव कर सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.